गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ सोलो लेवलिंग। इट इज़ अराउंड 8 AM राइट नाउ एंड आई नीड टू लीव फॉर माई क्लासेज। बट बिफोर दैट मैं आपको ये सब बता देता हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात, आज मैं एक फुल डे ऑफ ईटिंग रिकॉर्ड करने वाला हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी अ हाई कार्ब डे, जिसमें मैं 120 grams तक के कार्ब्स खाऊंगा ताकि मेरे बॉडी के ग्लाइकोजन रिजर्व्स फुल हो जाए। एंड येस, आई शो यू ऑल माई मील्स, ऑल द मैक्रोज एंड ऑल दैट शिट। एंड आज हम ट्रेन करने वाले हैं चेस्ट। वॉट कैन बी बेटर, हमारे ग्लाइकोजन रिजर्व्स फुल होंगे, बॉडी में फ्यूल होगा एंड वी आर ट्रेनिंग चेस्ट फाइनली। एंड येस, मैं एक और चीज़ करने वाला हूँ, मैं आज इनक्लाइन बारबेल प्रेस ट्राई करने वाला हूँ, बिकॉज आई वॉन्टेड टू ऑनेस्टली ट्राई दैट थिंग फ्रॉम लाइक बहुत पहले से, बट माई जिम डिडेंट हैव अ सेपरेट रैक एंड अ बेंच, बट येस उन्होंने फाइनली खरीद लिया है। लेट्स गो। तो मैं आपको अपने हाइक अप डे का सबसे पहला मील दिखा देता हूँ। इस मील के लिए मैं एग्जैक्टली हर 3 दिन वेट करता हूँ, बिकॉज ईटिंग ब्रेड इज़ द वन थिंग दैट आई डिड वेरी कंसिस्टेंटली। जितना मैंने वर्कआउट नहीं किया होगा उतना मैंने ब्रेड खाई होगी। मैं रोज़ ब्रेड खाता था कट के पहले, आई रिमेम्बर। एंड कटिंग के प्रोग्रेस भी मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। सो ये मील में लिया है मैंने 2-4 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 4 पूरे अंडे एंड थोड़ा सा केचप। जिम में अभी बहुत ज़्यादा आवाज़ है इसलिए मैं माइक तो यूज़ कर नहीं सकता, जो मेरा स्पीकर टूट गया है। तो मैं एक ब्रीफ समरी दे देता हूँ मैं क्या क्या करने वाला हूँ। आज मैं इंक्लाइन बारबेल प्रेस से स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे को ये मूवमेंट बहुत टाइम से करनी थी एंड मेरे जिम ने एक नया रैक और बेंच लाई है। सो यस, वी आर गोइंग टू ट्राई इट एंड देन हम मूव ऑन करेंगे फ्लैट प्रेस पे, फ्लाइज डिक्लाइन एंड चेस्ट खत्म। एंड येस, वील ट्रेन ओनली चेस्ट टुडे एंड शोल्डर अलग से फॉलोइंग आर स्प्लिट, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। लेट्स गो। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, won't you let the light shine through for you? Sky gazing far into the night, I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't.
can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light. तो मैं जिम से घर आ चुका हूँ एंड पोस्ट वर्कआउट मील में मैं यूजुअली चिकन और एग्स खाता हूँ, बट मुझे अभी चिकन खाने का मूड नहीं है बिकॉज इट्स रिकैप डे एंड मैंने अभी लिया है 2 slices ऑफ ब्रेड एंड उस पर बटर मेल्ट करके डाला है। आज मेरा हाई कार्ब डे है इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मेरे कार्ब्स 120 ग्राम तक जाए, 120 एंड देन मेरे लो कार्ब डे पे 30 ग्राम्स। ये जो कार्ब साइकिलिंग है वो कैसे क्या करते हैं, क्या उसके बेनिफिट्स है, वो मैं अगले वीडियो में डालूंगा, अगले या उसके अगले वीडियो में। बट येस, दिस इज़ गोइंग टू बी आर पोस्ट वर्कआउट मील स्लैश फीस्ट विच इज़ 2 slices ऑफ ब्रेड एंड बटर ऑन इट। मैं इसके मैक्रोज यहाँ कहाँ पर डालूंगा। गाइस देखो, स्प्लिटर फाइनली आ चुका है। इसके वजह से मुझे 4 दिनों से या 3 दिनों से वॉइस ओवर और म्यूज़िक लगा के वीडियो डालनी पड़ रही थी, बट फाइनली रॉ वीडियोज़ इनकमिंग, लेट्स गो। सो इट इज़ टाइम फॉर द थर्ड मील ऑफ द डे विच इज़ गोइंग टू बी 150 ग्राम्स ऑफ एयर फ्राइड चिकन। एंड ये चिकन खा खा के मैं इतना परेशान हो गया हूँ कि आई फील लाइक नॉट ईटिंग समथिंग रादर देन ईटिंग दिस, बिकॉज मैं खा खा के एकदम थक गया हूँ। इसमें अभी मेरे को कोई टेस्ट नहीं आता, एकदम ब्लेंड लगता है। इससे बेटर मैं कुछ और खा लूँ, बट अब खाना तो पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास कोई इससे बेटर रेसिपी है तो प्लीज़ मुझे बता देना। सो यस, इसके मैक्रोज मैं इधर डाल दूँगा। तो डिनर में मैंने ऑलमोस्ट एक सिमिलर मील लिया है जो मैंने सुबह लिया था, बस एग्स को मैंने चिकन से रिप्लेस किया है। सो डिनर में मैंने लिया है 150 ग्राम्स ऑफ चिकन ब्रेस्ट, 4 slices ऑफ ब्रेड, 4 grams ऑफ बटर एंड 2 egg whites। मैंने बस एग वाइट्स टेस्ट के लिए लिया है, बस उसके अलावा कुछ नहीं। एंड मैं जो चाय पीता हूँ उसके भी मैं मैक्रोस काउंट करता हूँ। उसके लिए आप वो चीज़ इग्नोर कर सकते हो अगर आप मिल्क यूज़ नहीं करते, बट मैं जो यूज़ करता हूँ मैं वो कैलकुलेट करता हूँ। अब अगर पूरे मैक्रोस की बात आई तो मेरे कैलोरीज 1600 के अराउंड गए क्योंकि हाफ हाई कार्ब डे है एंड वो मेरे मेटाबॉलिज्म के हिसाब से ठीक है। बाकी मैक्रोस जो भी होंगे मैं वो यहाँ पर डाल दूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प मिल पाए। एंड जो कार्ब साइकिलिंग की वीडियो होगी वो अगले वीडियो में शॉर्टली मैं एक्सप्लेन कर दूंगा या मोस्ट प्रोबेबली अगले के अगले वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करो, दिल से अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए अडियोस।